हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता था। मैं दिखा रहा हूँ पटना मेट्रो का अपडेट। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये 0 माइल है पटना मेट्रो का। इसके बाद ये ऐसे होते हुए और इस तरफ चले जाइएगा आप तो ISBT मेट्रो स्टेशन हो जाएगा, वो लास्ट, उसके बाद मेट्रो डिपो होगा। तो ये यहाँ पर 0 माइल का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, कि पहला तल्ले वाला जो है वहाँ पर वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। और ऊपर वाला है जो देखिए यू गटर लग चुका है, तो वो मेन प्लेटफॉर्म होगा, मतलब जहाँ पर मेट्रो आएगी। और इस पर अभी चढ़ने और उतरने के लिए एक देखिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल, डाउन में देखिए वहाँ पर पियर आपको दिख रहा होगा कोरावा, और एक इसके आगे है। तो दो तरफ से आप चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, लेकिन रोड क्रॉस करने के लिए आपको इस साइड, मतलब ऐसा भी किसी तरह का फैसिलिटी दी नहीं गई है। हाँ, फ्यूचर में जिस तरीके से इस पर लोड बढ़ेगा तो हो सकता है रोड क्रॉस करने के लिए स्टेयर बनाया जाए, या ट्रैवलर हो या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये 0 माइल स्टेशन का वर्क देख सकते हैं आप कि काफ़ी बेहतरीन से हो रहा है। और जो पहला है वो काउंटर का एरिया है, टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल, फूड कोर्ट, जो भी हो वो फैसिलिटीज़ में रहेंगी। और सेकंड वाला जो है वो आपका प्लेटफॉर्म का भाग हो गया। और देखिए दूर से स्टार्ट हो चुके हैं, ये एक बदलाव की तस्वीर है। तो ये वाला जो भाग है ये 2025 में इस पर ट्रायल होगा, यानी कि खेमनी चक तक। तो खेमनी चक चलिए मैं दिखाता हूँ जहाँ पर 4 ट्रैक, 4 प्लेटफॉर्म, और कहाँ पर वो चेंज होगा, कौन सा भाग अप होगा, कौन सा भाग डाउन होगा, मतलब कौन सा रैंप ऊपर में रहेगा। क्योंकि ये तो आप समझ लीजिए कि ये ट्रेन की तरह नहीं है कि आप ट्रेन चलाते हुए जैसे पटरियाँ चेंज कर करके और पटना जंक्शन आना हो तो पहले ही से ही वो रेलवे ट्रैक चेंज कर लेती है, ये फैसिलिटी इसमें नहीं होगी। अगर पटना से मेट्रो आ रही है तो वो दानापुर वाले लाइन में नहीं जा सकती है, 2 लाइन है जिसमें से एक दानापुर खेमनी चक, एक पटना जंक्शन से 0 माइल, तो दोनों का अलग अलग ट्रैक है। चलिए मैं दिखाता हूँ। और देख सकते हैं आप कि खंभे लगने का काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसे ट्रायल करना है 2025 तक और फिर आम लोगों के लिए खोलना है। तो 4-5 स्टेशन है जिसमें से ISBT 0 माइल जो मैं दिखाया, फिर भूतनाथ है और खेमनी चक है, और ऐसा लगता है जैसे कि मलाही पकड़ी से स्टार्ट होगा, लेकिन उस तरफ का काम अभी बहुत डिले है तो उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि रामकृष्णा नगर, जगनपुरा और मीठापुर तक मेट्रो चलेगी इन फ्यूचर, क्योंकि सामने जो भी यू गडर वाला जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये तो मैं नया वर्क अपडेट दिखाया आप लोगों को कि देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से खंभे लगाए जा चुके हैं। चलिए अब आगे का वर्क स्टेटस दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पोल देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक लगा हुआ है, एकदम दूर जहाँ तक कैमरा मैं जूम कर पा रहा हूँ वहाँ तक हमें दिख रहा है, यानी भूतनाथ तक शायद ये लगा हुआ है। अब तो भूतनाथ जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए वहाँ पर भी देखता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से देखिए आप खंभे ला कर रखे हुए हैं पीछे में जो देख रहे हैं आप पोल वगैरह, तो यहाँ पर लाइन से पोल, ये सब इलेक्ट्रिसिटी खंभे हैं जिसपे मेट्रो चलेगी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे मिलेगी वो ये वाला पोल है। तो इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, शायद 3 मीटर होगा, उससे ज़्यादा कम हो सकता है। और बाकी ये सब फर्मा है जो मेट्रो स्टेशन जहाँ पर होगा वो ये उसके लिए है। देखिए यहाँ पर भी खंभे ला कर रखे हुए हैं और दोनों साइड लग चुके हैं, देखिए दूर से दिख रहा होगा दोनों साइड लगे हुए हैं। मैं उस साइड से दिखा रहा था, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से दिख रहा है। सामने जो देख रहे हैं आप ये भूतनाथ मेट्रो स्टेशन है, इस पर भी दोनों फ्लोर का काम हो रहा है। उसी तरीके से पहला फ्लोर जो होगा टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल, अदर चीज़ों के लिए होगा, और जो सेकंड प्लेटफॉर्म है उसकी फैसिलिटी होगी, वहाँ पर सिर्फ मेट्रो आकर रुकेगी, प्लेटफॉर्म होगा। तो यही है। और ये हर मेट्रो स्टेशन के बीच एक से दूसरे के बीच कहीं 1100 मीटर, कहीं 1200 मीटर, क्योंकि मैं पैदल आ रहा हूँ 0 माइल साइड से, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इसकी। और एक मेट्रो स्टेशन की लेंथ अप्रोक्स 150 से 250 मीटर की होगी। यहाँ पर साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये हाईवे है, तो साउंड के लिए माइंड नहीं कीजिएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ साउंड हटाने का, लेकिन हटता नहीं हमसे। तो भूतनाथ स्टेशन का भी आप गेटअप सेटअप देख सकते हैं कि दोनों फ्लोर पर काम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, लेकिन इस पर एक भी अभी गडर लॉन्चिंग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। भूतनाथ मेट्रो स्टेशन में चढ़ने उतरने में एक कंक्रीट का ये वाला देखिए पिलर, छोटा सा पिलर देख रहे होंगे आप, ये तो यही FOB या फिर आपका स्टेयर होगा जिससे आप प्लेटफॉर्म पे चढ़ सकेंगे और उतर सकेंगे। अभी एक ही जगह इसमें दिया है वहाँ कनेक्टिविटी के लिए, और हो सकता है आगे फ्यूचर में होगा तो इस साइड होगा, नहीं तो रोड क्रॉस करके इस साइड होगा। अभी जो फैसिलिटी है वो 1 साइड ही है। पर जो आप देख रहे हैं ये 2 अलग अलग लाइन, तो हाइट वाला जो है वो दानापुर खेमनी चक वाला है, और जो डाउन वाला है ये पटना ISBT से लेकर के और पटना जंक्शन तक का वाला है। 2 लाइन है, एक रेड लाइन एक ब्लू लाइन, तो दोनों लाइन यहाँ पर अलग अलग होती है। और ये देख सकते हैं आप, ये हाइट होता हुआ जा रहा है और ये डाउन होता हुआ जा रहा है, तो दोनों लाइन अलग अलग हैं। यहाँ के हाइट से आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक काफ़ी हाइट पर हो रही है, एक डाउन पे है, और जो हाइट वाला है वो दानापुर की ओर चली जाती है मीठापुर होते हुए,
और पटना जंक्शन होते हुए, और एक जो है डाउन हो रही है वो भी पटना जंक्शन जाती है लेकिन राजेंद्र नगर होते हुए। तो दोनों पियर आपको दिख रहा है, जो हाइट वाला है वो दानापुर से होते हुए आ रही है, दानापुर से पटना जंक्शन होते हुए मीठापुर होते हुए, और जो डाउन वाला है वो जो है कि पटना जंक्शन राजेंद्र नगर होते हुए और मलाही पकड़ी होते हुए ये आ रही है और खेमनी चक को जाके मिलेगी। तो दोनों ट्रैक देख सकते हैं, एक ऊपर में रहेगा और एक नीचे में रहेगा, दोनों ट्रैक की अलग अलग फैसिलिटी है। सीधे जो है कि रामकृष्णा नगर जगनपुरा होते हुए मीठापुर को चली जाएगी और इस तरफ जो है ये मलाही पकड़ी होते हुए और राजेंद्र नगर को चली जाएगी, फिर मोइनुल हक स्टेडियम PMCH होते हुए पटना जंक्शन को जाएगी।